विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु को पाना और प्रभु के दर्शन सरल नहीं। ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि मुनि, साधु संत हजारों वर्षों तक तप करके प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। किंतु गुरुवर, इस कलयुग में हम मनुष्यों की आयु उतनी होती नहीं, फिर भी यदि कोई हजारों वर्ष तप ना कर सके तो क्या उसके पास कोई और उपाय नहीं अपने प्रभु के दर्शन पाने का? सर्वकालमपि केचाना संत एवा साधवा, अर्थात हर काल हर युग में ऐसी संत आत्माएं होती हैं जिनकी सेवा और जिनके सानिध्य मात्र से प्रभु को पाना सरल हो जाता है। किंतु इसके लिए सच्ची भक्ति के साथ साथ सच्ची श्रद्धा भी होनी चाहिए। हे गुरु श्रेष्ठ, आपने ये सहज उपाय बताकर मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। मैं आज से ही साधु संत की सेवा में लीन हो जाऊंगी और फिर मेरे गिरधर गोपाल से मेरी मिलने की ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। गुरु का मार्गदर्शन पाकर मीरा साधु संतों की सेवा में जुट गई। उसे जैसे ही ज्ञात होता कि कोई साधु संत पधार रहे हैं तो वो उनका सत्कार करने वहाँ पहुँच जाती। आप सभी संत महात्माओं को सादर प्रणाम। कल्याण हो। अरे बस बस बिटिया, थोड़ा सा और ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा। हे संत महात्माओं, क्या मैं कोई और सेवा कर सकती हूँ तो आदेश दीजिए। नहीं पुत्री, तुमने भोजन देकर हमें तृप्त किया। अब प्रभु ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर तुम्हारी आत्मा को तृप्त करें, ये आशीर्वाद है तुम्हें। अब हमें क्षमा करना पुत्री, पेट की भूख तृप्त हुई तो हम सभी साधु संत प्रभु भजन करके अब हमारी आत्मा को भी शांत करेंगे। मर्यादा तो भंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके छोटे भाई की बेटी मीरा को यह ध्यान नहीं। ध्यान से देखिए, ये मीरा ही है ना? जिनका मन भक्ति से परे सांसारिक क्रियाकलाप में लगा होता है, वो भक्ति की इस धुन को नहीं समझ पाते और अब मीरा के आचरण को लेकर वो लोग प्रश्न करने लगे। ये कौन लोग होते हैं प्रभु? कभी ये लोग समाज के भाग होते हैं और कभी ये लोग ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति का परिचय होता है, और कभी कभी तो अपने परिवारजन ही भक्ति भाव की पवित्रता को अपने शब्दों से कलंकित करने लगते हैं। अपनी आँखों से जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरी आंखें झुका दी।
प्रभु की भक्ति तो हम भी करते हैं, परंतु परिवार की लाश को दांव पे लगाना उचित नहीं। हम राज परिवार हैं और हमारे ही परिवार की राजकुमारी जोगन की भांति साधारण साधु संतों के साथ सबके सामने नृत्य करे, ये ना उसे शोभा देता है और ना ही हमें। पर लगता है बहुत देर हो गई है, चेतावनी दी थी मैंने पहले पर किसी ने सुनी नहीं, उसका नतीजा है ये। पहले नहीं संभाली तो अब जोगन बन गई ना तुम्हारी बिटिया। भाभी सा, अभी मेरा बड़ी कहाँ हुई है, छोटी है। माँ बाप के लिए बालक सदैव छोटे ही रहते चाहे वो विवाह के योग्य क्यों ना हो जाए। अब तो अपनी आंखें खोलो देवरानी सा, विवाह की आयु हो रही है उसकी, अब भी वो ऐसे आचरण करेगी तो कितना अपमान होगा परिवार का। परिवार ही नहीं भ्राता रतन, इससे तो हमारी लाडली मीरा पर भी उंगलियां उठेंगी, उसे कैसे सहेंगे हम। अब मीरा के प्रति प्रेम का अर्थ है उस पर थोड़ी सख्ती रखना, उसकी लगाम कसना या कोई ऐसा उपाय करना जिससे वो सदैव नियंत्रण में रहे। कैसा उपाय भाई? कैसा उपाय रतन? विवाह। किंतु वो तो समय के साथ ही होगा ना, हमें उसके लिए योग्य वर भी तो ढूंढना होगा। उसकी चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए देवर साहब, योग्य वर हमने ढूंढ लिया है। राणा सांगा जी का पुत्र भोजराज, राणा सांगा जी का पुत्र भोजराज। बताइए ना माँ, मेरा दूल्हा कौन है? और कौन? तुम्हारे गिरधर गोपाल। किंतु पहले हमें महाराष्ट्र की सहमति भी तो लेनी होगी ना। पिताजी को मैं मना लूंगा, लेकिन अभी हमें और देर नहीं करनी चाहिए। भोजराज जैसा जमाई मिलना हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है, ऐसा अच्छा संबंध हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पियर से हमारे संबंधी है वो, वहां से विवाह का प्रस्ताव उन तक पहुंच जाएगा तो राणा जी मना नहीं करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। आप लोग? प्रणाम ताया जी सा, प्रणाम ताई जी सा। पता है माँ आज क्या हुआ? एक बहुत बड़ी साधुओं की टोली हरि दर्शन के लिए वृंदावन जा रही थी, मेरी उनसे भेंट हुई और उनके साथ मैं भी हरि का नाम जपने लगी और फिर भक्ति की लहर में मैं भी झूम उठी। ओहो, मैं भी कहां आप बड़ों के बीच बोलने लगी, क्षमा कीजिएगा, आप लोग बात कीजिए, मैं ये सारी कहानी अपने गिरधर गोपाल को जाकर सुनाती हूँ। प्रणाम। अब तो हमारी बात पर आपको विश्वास हो गया होगा ना? इस परिवार की मर्यादा मेरे लिए सबसे बढ़कर है। आप मेरे बड़े हैं, आप जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। यदि आपको ये लगता है कि मीरा के लिए यही सही है तो आप विवाह प्रस्ताव भिजवा दीजिए। किंतु मीरा से कुछ मत कहिएगा, वो तो बचपन से ही गिरधर गोपाल को अपना दूल्हा मानती आई है। गिरधर गोपाल उसके दूल्हे? ये कैसा परिहास है। जितने जल्दी हो सके मीरा को सत्य से परिचित करवाइए। इस पखवाड़े के भीतर हमें भोजराज के परिवार को विवाह के लिए उत्तर देना है। भाभी साहूजी ठीक कह रही है, एक न एक दिन तो मीरा की कल्पना की उड़ान
सच्चाई के धरातल पर उतरना ही था, पर अब वो दिन आ गया है। मीरा बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही। यही तो दुविधा है। अब मीरा का मन बहलाकर उससे कुछ मनवाना इतना सरल कहां रहा। अब वो जानती है उसे क्या चाहिए। मेरा मन जो चाहता है वो मुझे मिल जाए, साधु संत के आशीर्वाद सच हो जाए और आप मुझे उसी रूप में मिल जाएं, जिस रूप में आपने गोपियों के साथ रासलीला रची थी, जिस रूप में आपने राधा जी के साथ प्रेम किया था। हे गिरधर गोपाल, मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल आप मुझे अवश्य मिलेंगे। गुरुदेव की बातें झूठी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि साधु संत की सेवा का फल स्वरूप आपके दर्शन के सौभाग्य मिलेंगे, किंतु मुझे केवल आपके दर्शन में आप चाहिए, साक्षात आप चाहिए प्रभु, साक्षात आप चाहिए मेरे सामने। सब कहते हैं कि तुम बड़ी हो गई हो, पर मेरी आंखों से देखो, तुम तो अभी भी मेरी वही छोटी सी नन्ही सी मीरा हो, जो अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में खोई हुई हो। अब मैं तुमसे कैसे कहूं मेरी बिटिया रानी कि हम किसी और से तुम्हारे विवाह की बात छेड़ रहे हैं। अच्छा स्वप्न देखा मैंने, जैसे मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई। हे गिरधर गोपाल, मैं अभी जाकर माँ को इस स्वप्न के बारे में बताती हूँ। इतना सुंदर स्वप्न देखकर उठने वाली मीरा को ये कहाँ पता था कि उसके दुःस्वप्न का आरंभ तो अब होने वाला था। सुनो, राजमहल की ऐसी सजावट क्यों हो रही है?
मीराबाई सा, ये आपको ही नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? अब तो पता कर ही लीजिए। हमें नहीं पता, ये क्या कह रहे हैं? बधाई हो मीराबाई सा। बधाई हो, जैसे सब मेरा सपना जान गए कि मेरा विवाह हुआ है मेरे गिरधर गोपाल से। बधाई हो, इतना अच्छा समाचार मीराबाई सा, अब तो खुशियां ही खुशियां बरसेंगी आप पर। अब माँ ही बता सकती है कि क्या बात है। माँ, 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 उठ गई मेरी बिटिया रानी। हाँ, ये क्या माँ, इतने सारे मिष्ठान पूरे राज्य में बंटवाने जा रही हैं क्या? बिटिया, तुम्हें कुछ बताना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे भी आपको कुछ बताना है, लेकिन यहाँ नहीं। चलिए ना मेरा, चलिए तो, चलिए, आप आइए तो। मीरा, बिटिया, अब ऐसा हट करने की आयु नहीं है तुम्हारी। माँ, आप उलाना देना बंद कीजिए। अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम्हारा विवाह। विवाह की तो बात मैं भी करना चाहती हूँ आपसे। मीरा माई महाणे, सुपने में परण गयो गोपाल, राती पीली चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल। हाँ माँ, मेरे सपने में, मेरे इन्हीं हाथों में मेरे गिरधर गोपाल के नाम की मेहंदी रची थी। आपने जो कहा था वो सच हो गया। मेरे गिरधर गोपाल मेरे दूल्हे बन गए। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ ना माँ। हाँ मेरी बिटिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हाँ देखा, संबंध तय भी हो गया और वर पक्ष ने सहमति भी दे दी। अब बस विवाह होने की देर है। संबंध उन्होंने मान लिया, ये आप किसकी बात कर रही हैं ताईसा? ओह, हमें लगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हें बता दिया होगा। राणा सांगा जी के पुत्र कुंवर भोजराज से तुम्हारा ब्याह तय हो गया है, जो जल्द ही होगा। आस्था वो शक्ति है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस कराती है।